हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बेड़ई और उसके साथ खाई जाने वाली आलू की सब्जी। तो पहले हम आलू की सब्जी की सामग्री देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने दो बॉईल आलू लिए हैं, इसे इस तरह से चौकोर पीस में कट कर लिया है। सूखे मसालों में आधा चम्मच हींग, दो तेज पत्ता, आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच मेथी दाना, आधा चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, 8 काली मिर्च लिया है, 4 लौंग लिया है, 2 टमाटर का पेस्ट, आधा कटोरी हरा धनिया, एक बड़ा टुकड़ा अदरक का किसकर लिया है, 2 हरी मिर्च बारीक कट कर लिया। कढ़ाई में 2 चम्मच तेल गरम कर देंगे। गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखना है। सबसे पहले तेल में तेज पत्ता, जीरा, सौंफ, काली मिर्ची, लौंग, मेथी दाना डाल देंगे। 2 मिनट भुनने के बाद हरी मिर्च और हरा धनिया, सारे सूखे मसाले डाल देंगे। 2 मिनट भुनने के बाद टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। मसाले को आप तेल छोड़ने तक भूनेंगे। मसाला अच्छे से भुन गया है, मसाले ने तेल भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें आलू डाल देंगे। आधा ग्लास पानी डाल देंगे। इसे ढककर 10 मिनट तक बॉईल होने देंगे। सब्जी हमारी अच्छे से बॉईल हो गई है। अब हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे। अब बेड़ई के लिए सामग्री देख लेते हैं। आधा कटोरी मूंग दाल, आधा कटोरी उड़द दाल, ये दोनों दालों को मैंने रात भर भिगोकर अच्छे से साफ करके रख लिया है। आधा कटोरी कसूरी मेथी, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच हींग, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच अमचूर पाउडर, यहाँ पर 2 बड़े चम्मच सौंफ और खड़ा धनिया, ये दोनों चीजों को मैंने दरदरा कूट लिया है। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। दोनों दालों का हम दरदरा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। दाल का इस तरह से दरदरा पेस्ट चाहिए हमको। थोड़ी सी दाल हमें साबुत रखना है और बाकी हम पीस लेंगे। एक कढ़ाई में 2 चम्मच तेल गरम कर लेंगे। गैस की फ्लेम हमें स्लो रखना है। सारे सूखे मसाले डाल देंगे। इसे 2 मिनट भूनेंगे। दाल का पेस्ट डाल देंगे। दाल में आधा कटोरी पानी डाल देंगे। ढक्कन लगाकर दाल को 10 मिनट तक पकने देंगे। बेड़ई के लिए आटा तैयार कर लेते हैं। उसके लिए एक बर्तन में 1 कटोरी मैदा, 1 कटोरी गेहूं का आटा, आधा चम्मच अजवाइन, 1/2 कटोरी तेल, 1/2 जो दाल हमने पीसी थी उसका 1 चम्मच पेस्ट डाल देंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एकदम टाइट आटा तैयार कर लेंगे। हमें इस तरह का एकदम टाइट आटा गूंद लेना है। इसे हम ढक करके 10 मिनट के लिए रख देंगे। दाल अच्छे से भुन गई है। अब हम इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे। दाल को एक प्लेट में निकालकर इसे ठंडा कर लेंगे। दाल अच्छे से ठंडी हो गई है। अब हम बेड़ई तैयार कर लेते हैं। आटे की छोटी छोटी लोई बना लेंगे।
एक लोई ले लेंगे, इसको इस तरह से हाथों से फैला लेंगे। इसमें एक चम्मच दाल भर देंगे, इसे चारों तरफ से अच्छे से बंद कर देंगे। अब हम इस पर थोड़ा सा आटा लगाकर इसे पूरी के शेप में बेल लेंगे। एकदम हल्के हाथों से बेलना है। कढ़ाई में अंदाज से तेल गरम कर लेंगे। बेड़ई को इसमें हमें तल लेना है। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है। पलट देंगे। दोनों तरफ से इसे हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। बेड़े अच्छे से फ्राई हो गई है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। हमारी बेड़े और आलू की सब्जी तैयार है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।